हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टडी माई वे में। जैसा कि कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि किन किन स्टूडेंट्स को इलेक्ट्रिकल के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं जो अपने RUNL JEE और AE के एग्ज़ाम के शॉर्ट नोट्स किन किन स्टूडेंट्स को चाहिए, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट्स आया कि सर हमको पावर सिस्टम के नोट्स चाहिए, सर हमें मशीन के नोट्स चाहिए, सर हमें नेटवर्क के चाहिए, सर हमें EMI के चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स का आया तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, आपने काफ़ी कमेंट्स किए। तो के लिए जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनको रिक्वायर्ड थी शॉर्ट नोट्स की, क्योंकि क्या होता है ना कि आप जब भी कोई एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हैं कि कोई भी, जैसे आप मशीन पढ़ते हैं तो मशीन बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट हो जाता है, 300 to 400 to 500 pages का हो जाता है, तो उनको रिवाइज़ करना इतना एक ईजी नहीं होता, क्योंकि फिजिबल मैनर में नहीं होता। तो हम क्या करते हैं कि उसके काफ़ी घंटों की मेहनत के बाद मैंने ये जो नोट्स बनाए हैं शॉर्ट नोट्स वो बनाए हैं, और उनको मैं पढ़ के, मतलब कोई भी एग्ज़ाम देने जाए उसके लिए वो अप्रोप्रिएट होता है, और बहुत ही इजी हो जाता है उन सब्जेक्ट्स को रिवाइज़ करना बहुत ही कम टाइम लिमिटेड मैनर में। तो मैं आज उसी सीरीज़ के अंदर आपके लिए किसके शॉर्ट नोट लाया हूँ, ट्रांसफॉर्मर के, ठीक है। तो दोस्तों, जिन लोगों ने मेरा चैनल पहले सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको टाइम पे वीडियो का अपडेट मिलता रहे और आप एक बेहतरीन तरीके से आपकी प्रिपरेशन को जारी रख सके, ठीक है दोस्तों। तो मैं क्या करूँगा, आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा लास्ट तक, शायद थोड़ा बहुत वीडियो लंबा भी हो जाए तो इसका कोई इश्यू नहीं है, लेकिन ध्यान से देखिएगा जो जो मैं टॉपिक बताता जा रहा हूँ इन नोट्स में से, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है हाल फिलहाल JEE और AE, क्योंकि ये जो नोट्स बनाएंगे, चाहे आप गेट देने जा रहे हो, चाहे आप ES देने जा रहे हो, तो आप SSC JEE देने जा रहे हो, कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो, मतलब एग्ज़ाम देने जा रहे हो टेक्निकल से रिलेटेड, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से, और बात रही PDF की, PDF मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दी है, उसके बारे में आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सबसे बात पहले बात करते हैं ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर आप सबको पता है टर्न्स इश्यू क्या होता है, प्राइमरी वोल्टेज बाय सेकेंडरी वोल्टेज E1 बाय E2 इज इक्वल टू N1 बाय N2, प्राइमरी टर्न्स N2, ठीक है, A1 बाय A/1, ठीक है, और करंट के फॉर्म में क्या होता है I2 बाय I1, ये सब आप सब जानते हो बेसिक। तो और A क्या होता है, टर्न्स रेशियो होता है, और A वैसे बेसिकली अगर A की डेफिनेशन देना चाहे, नंबर ऑफ टर्न्स हाई वोल्टेज साइड्स अपॉन लो वोल्टेज साइड्स, तो ये हो गया, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना है टुवार्ड्स ए प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर। एक प्रैक्टिकल जो ट्रांसफॉर्मर होता है उसमें क्या, म्यू क्या होता है कि जो कोर की परमियाबिलिटी होती है ना वो कभी इन्फाइनाइट नहीं होती, ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कोर इज नॉट लॉसलेस कैपेसिटी, ठीक है। I0 जो आपका नो लोड करंट होता है वो IC+I5 के, देखो कई स्टूडेंट्स का मेरा मैसेज आ रहा था सर आपकी राइटिंग में थोड़ा इशू आ रहा है, तो देखिए दोस्तों यार राइटिंग का मैं अभी कुछ ज़्यादा कर नहीं सकता है ना, तो राइटिंग में क्या है कि अगर आपको कोई भी जगह डाउट हो रहा है, वैसे मैं पढ़ रहा हूँ एक एक लाइन आपके लिए, तो अगर आपको अपने हिसाब से आप इसका क्या PDF निकाल लीजिएगा बाद में, और फिर बाद में कहीं भी आपके हिसाब से आप लिख लीजिएगा, है ना। तो राइटिंग में तो देखिए क्या, बॉयज़ की राइटिंग आप जानते हो थोड़ी ऐसी होती है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि और इम्प्रूव करने की, ठीक है। तो फिर ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, MMF बैलेंस की जो इक्वेशन है, ठीक है। फिर बाद में ये जो चीज़ है, पावर टेकन बाय प्राइमरी वाइंडिंग टू फीड कोर लॉस कंपोनेंट I1 even I0 cos Φ0 लिखा गया है, ठीक है, ठीक है। आप सभी जानते होंगे कोर लॉस कंपोनेंट क्या होता है, जो एक्साइटिंग करंट होता है IC जिसे बोलते हैं, वो क्या होता है, जो I0 होता है ना cos Φ, I0 cos Φ के बराबर होता है। आपने जो एक क्या बोलते हैं कर्व देखा होगा जिसके अंदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के अंदर बीच में I0 की लाइन होती है, जो cos Φ वाली लाइन होगी वो तो क्या हो जाएगी, एक्साइटिंग, और I5 मतलब मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ एक्साइटिंग करंट, तो इसको क्या बोलेंगे I5, ठीक है। एक्साइटेशन इज ए प्राइमरी साइड फिनोमेना, हाँ ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ लेते हैं, एक्साइटेशन इज ए प्राइमरी साइड फिनोमेना, देयरफॉर इन ऑल द इंडस्ट्रीज इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफॉर्मर फॉर्म्ड रेफरिंग टू प्राइमरी साइड। तो जितनी भी इंडस्ट्रीज होती है उसके जो अपन जो इक्विवेलेंट साइड जो क्या बोलते हैं सर्किट बनाते हैं वो किधर से रेफर करके बनाया जाता है, हमेशा प्राइमरी साइड से। क्यों, क्योंकि अपन किसको कंट्रोल कर सकते हैं, प्राइमरी साइड फिनोमिना ही तो है एक्साइटेशन, तो इसलिए ये चीज़ हो गई, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक आपको ये पढ़ना है। फिर ओपन सर्किट टेस्ट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट है ना, ठीक है। ओपन सर्किट टेस्ट में इनपुट क्या देते हैं, इनपुट गिवन टू ट्रांसफॉर्मर रेटेड फ्रीक्वेंसी वेरिएबल वोल्टेज दिया जाता है, AC सप्लाई होती है यूजुअली फ्रॉम ऑटो ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। एम टू प्रिडिक्ट द परफॉर्मेंस विदाउट लोडिंग इट, जो ओपन सर्किट टेस्ट का जो एम क्या होता है टू प्रिडिक्ट द, ये जो टेस्ट है इनका एम क्या होता है टू प्रिडिक्ट द परफॉर्मेंस विदाउट लोडिंग इट,
ठीक है, बिना लोड किए किसी, जैसे मान लो आप एक ट्रांसफार्मर लाए, आप एक तो उसको लोड करो, बहुत ज़्यादा वोल्टेज दो, बहुत सारी एनर्जी लॉस होगी, फिर आप उसकी परफॉर्मेंस को बताओगे, तो क्या ये फिजिबल तरीका है? नहीं। तो इसलिए अपन क्या करते हैं कि बिना किसी ट्रांसफॉर्मर या कोई भी इक्विपमेंट होता है इलेक्ट्रिकल की, ये बेसिक चीज थ्योरी होती है कि बिना उसको लोड किए उसकी परफॉर्मेंस को जान लेना, ठीक है। फिर बात आती है ओपन सर्किट टेस्ट, कैरिड आउट एट रेटेड फ्रीक्वेंसी एंड रेटेड वोल्टेज, ये पॉइंट आपको याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया दोस्तों। ये जो नोट्स हैं मैंने बहुत ही मेहनत से बनाए हैं, बहुत ये नोट्स दिखते हैं लगता है कि 5-6 पेजेस हैं, लेकिन बहुत ही मेहनत से बनते हैं, आप जब खुद बनाएंगे या फिर बहुत मेहनत लगती है इनमें, है ना, तो ठीक है। और बहुत ही फिजिबल नोट्स हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए। ओपन सर्किट टेस्ट इज, ठीक है आगे बात करते हैं, ओपन सर्किट टेस्ट इज कैरिड आउट इन द इंस्ट्रूमेंट प्लेस्ड ऑन लो वोल्टेज साइड। ओपन सर्किट, ये देखो ये जो लाइन लिखी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओपन सर्किट टेस्ट कैसे कैरिड आउट होता है, इंस्ट्रूमेंट को कहाँ पे प्लेस करते हैं अपन, लो वोल्टेज साइड में, वाइल द हाई वोल्टेज साइड इज लेफ्ट, और हाई वोल्टेज साइड को क्या कर देते हैं लेफ्ट। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप जान रहे हो ना, ये क्वेश्चन है आपसे पूछ लिया जाएगा कि ओपन सर्किट टेस्ट में हाई वोल्ट लो वोल्टेज साइड को लेफ्ट करते हैं या हाई वोल्टेज साइड को, ठीक है। क्यों किया जाता है ऐसा, बिकॉज अप्लाइंग रेटेड वोल्टेज एंड लो वोल्टेज साइड ईजियर एंड ऑल्सो द इंस्ट्रूमेंट यूज एट लो वोल्टेज साइड सा इकोनॉमिक इन कॉस्ट एंड ऑल्सो द, ठीक है, इन इकोनॉमिक एंड सेफर टू वर्क। अगर देखिए लो वोल्टेज साइड पे क्या होता है, वोल्टेज कम होता है, अब लो वोल्टेज साइड पे वोल्टेज कम है तो आपके लिए क्या इकोनॉमिक बेनिफिट है, कॉस्ट कम लगेगी और साथ ही साथ सेफर होगा। अब एक आप केवीज में वर्क कर रहे हो तो आपको क्या होगा, शॉक के खतरा रहेगा, लेकिन अब अपन क्या लो वोल्टेज पे काम कर रहे, जैसे 220 पे कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या है सेफर साइड है। सिंस द नो लोड पावर फैक्टर इज वेरी लो, इट इज़ रिकमेंडेड लो पावर फैक्टर टू बी यूज टू कंडक्ट दिस टेस्ट, ठीक है। ये आपको याद रखना है ये फॉर्मूला, ठीक है आप याद रख सकते हो लेकिन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर वैसे शॉर्ट सर्किट टेस्ट कैसे कैरिड आउट, और रेटेड करंट और रेटेड करंट पे होता है क्या, क्या करता है डिटरमाइन द फुल लोड कॉपर लॉस, ये जो फुल लोड कॉपर लॉस होती है ना उसको डिटरमाइन करता है। देर इज़ नो नीड टू कंडक्ट टेस्ट एट रेटेड फ्रिक्वेंसी, इसके अंदर अपन रेटेड फ्रिक्वेंसी के पे कंडक्ट कराने की जरूरत नहीं होती, क्यों, क्योंकि जो वाइंडिंग रेजिस्टेंस होता है ना ट्रांसफार्मर का इज हार्डली अफेक्टेड बाय द फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी तो रेजिस्टेंस होता है ना वो बहुत ही रेयरली अफेक्ट होता है फ्रीक्वेंसी, इसलिए अपन को कोई रेटेड फ्रीक्वेंसी की जरूरत नहीं होती। हाउएवर इट इज रिकमेंडेड टू कंडक्ट दिस टेस्ट एट रेटेड फ्रीक्वेंसी बिकॉज द ट्रांसफॉर्मर इज एक्सपेक्टेड टू नॉर्मली ऑपरेटेड रेटेड फ्रीक्वेंसी, ठीक है आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। दोस्तों देखिए अभी क्या कर रहे हैं अपन, यहाँ पे लेक्चर सीरीज़ नहीं है, आप इस बात का ध्यान रखिए, लेक्चर सीरीज़ अपनी 6 अगस्त से चालू हो रही है, लेकिन अभी आपके क्या इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि सर प्लीज़ नोट्स अपलोड कीजिए, तो ना मैं क्या कर रहा हूँ अभी, मैं इसको डिटेल्स में नहीं समझा रहा हूँ, लेकिन आपके जो आने वाला एग्ज़ाम है उसके लिए बेस्ट प्रिपरेशन करने का यही तरीका है, ठीक है। फिर बात आती है इट इज़ कैरिड आउट ऑन हाई वोल्टेज साइड बाय लो वोल्टेज साइड, ये कौन सी साइड पे होता है, हाई वोल्टेज साइड पे होता है, वाई लो वोल्टेज साइड इज शॉर्ट सर्किटेड, ठीक है ये यहाँ पे शॉर्ट सर्किटेड लिखा है ना, मैं एक एक लाइन बता रहा हूँ, कहीं भी राइटिंग का इश्यू रहे तो आप मेरे वीडियो को पॉज करके ध्यान से वापस सुन सकते हैं, ठीक है। बाय थिक कंडक्टर बिकॉज द रेटेड करंट ऑन हाई वोल्टेज साइड इज स्मॉलर देयरफॉर इकोनॉमिकल, ठीक है ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। सिंस द वोल्टेज रिक्वायर टू सर्कुलेट फुल लोड करंट व्हेन शॉर्ट सर्किट कंडीशन यूजली लिमिटेड टू 10% ऑफ रेटेड वोल्टेज, किसी भी सर्किट के अंदर उसका जो रेटेड करंट फ्लो कराने के लिए जो शॉर्ट सर्किट करंट है तो अपन को जो यूजुअली जो रेटेड वोल्टेज है उससे सिर्फ 10% वोल्टेज के ही रिक्वायरमेंट होती है, तो ये अच्छी बात है, ठीक है ये बात समझ में आ गई। जेड इक्वलेंट आप देख सकते हैं, ये आपका आर इक्वलेंट प्लस जे एक्स इक्वलेंट आ गया, ठीक है आप ये याद रखिएगा, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ फिर आता है इंटरप्रिटेशन ऑफ पर यूनिट कॉन्स्टेंट, आर पर यूनिट जो होता है जो अपने ट्रांसफार्मर के अंदर जो इक्वलेंट सर्किट से आर निकलता है फिर अपन उसको पर यूनिट क्वांटिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या बन जाता है, आई रेटेड स्क्वायर इंटू आर इक्वलेंट ओम अपन एस रेटेड, ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन जो इसके बाद में लिखा गया है इज इक्वल टू फुल लोड कॉपर लॉस, फुल लोड कॉपर एक मिनट फुल लोड कॉपर लॉस इन पर यूनिट और रेजिस्टिव लॉस और इफेक्टिव लॉस, इसको ठीक है अपन इन नाम से भी जाना जाता है। फिर सेम एक्स पर यूनिट हो गया, ठीक है हाँ ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अब, लेकिन अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है आपके जेई के लिए, आप इसको टिक कर लीजिएगा जब आप इसका हार्ड कॉपी निकाल लें। देखिए क्या है एक्सपेक्टेड पर यूनिट वैल्यूज, जो आर पर यूनिट की जो एक्सपेक्टेड वैल्यूज होती है वो कितनी होती है, 0.01 पर यूनिट होती है, एक्स पर यूनिट की अप्रॉक्सीमेटली कितनी होती है 0.10 होती है, आर सी पर यूनिट जो अपने
कोर कंपोनेंट में जो रेजिस्टेंस का लॉस होता है वो कितनी होती है, 100 पर यूनिट होती है, और एक्स फाइव पर यूनिट कितनी होती है, अप्रॉक्स 25 पर यूनिट। तो ये जो मैंने एक बॉक्स में बना रखा है कि सबसे ज़्यादा क्या होता है, सबसे कम क्या होता है, आर पर यूनिट, फिर उससे ज़्यादा एक्स पर यूनिट, फिर उससे ज़्यादा आर सी पर यूनिट, फिर एक्स वाई पर यूनिट। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है जेई और असिस्टेंट इंजीनियर के एग्जाम्स में, ठीक है। वोल्टेज रेगुलेशन, आप वोल्टेज रेगुलेशन का ये फॉर्मूला हो ही गया, वी इन बाय वी माइनस वन पर यूनिट, रेगुलेशन इज़ यूज्ड ओनली एट फुल लोड, ठीक है, एक ये फॉर्मूला हो गया अप्रॉक्स, ये इतना फॉर्मूला इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। हाँ, फिर यहाँ पे जो एक फॉर्मूला लिख रखा है ना मैंने नीचे, अप्रॉक्सीमेट रेगुलेशन के नीचे, अप्रॉक्स रेगुलेशन के नीचे, रेगुलेशन इज इक्वल टू आर पर यूनिट कॉस फाइव प्लस एक्स पर यूनिट साइन फाइव, कई बार पूछ लेता है क्वेश्चन लेकिन चांसेस कम है, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है, या फिर आपको फॉर्मूला दे देता है डायरेक्ट। हाँ, फिर क्वेश्चन आता है कि कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेगुलेशन, ये तो क्वेश्चन फेमस क्वेश्चन है जेई का, थीटा इक्वलेंट इज इक्वल टू फाइव, ठीक है। थीटा इक्वलेंट इसमें क्या है, जो अपने आर पर यूनिट वगैरह के जो बीच का जो एंगल है उसको थीटा इक्वलेंट कह रहे हैं, और फाई आपको पता ही है जो पावर फैक्टर एंगल है ना वो है, ठीक है। देर इज नो अप्रोक्सीमेशन इन्वॉल्व इन दिस कंडीशन बिकॉज डेल इज इक्वल टू जीरो डिग्री, है ना, इसके अंडर कोई भी अप्रोक्सीमेशन इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। दोस्तों, ये जो जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं ना, अभी मैं कॉन्सेप्ट्स नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मैं आपको हाल फिलहाल जो एग्ज़ाम क्रैक करना है उसके लिए शॉर्ट नोट्स लिखा है आपको, मैं ये भी बताऊँगा ये मैंने बनाया कैसे, आप भी खुद के बना सकते हो, लेकिन अभी आपके पास इतना समय नहीं है कि आप शॉर्ट नोट्स बनाएं उसको पढ़ें, ठीक है। फिर आते कंडीशन फॉर जीरो रेगुलेशन, तो सेम यहीं से थीटा इक्वल एंड इक्वल टू 90 डिग्री प्लस 5, ये याद रखना, ठीक है। हाँ, तो अब आगे चलते हैं, इफेक्ट ऑफ चेंज इन लोड पावर फैक्टर और वोल्टेज रेगुलेशन, ठीक है। जो चेंज आता है लोड के पावर फैक्टर का वोल्टेज रेगुलेशन पे कैसे आता है, तो आप देख रहे होंगे हॉरिजॉन्टल पे जो वाई एक्सिस है वहाँ पर रेगुलेशन दिखा रखा है, और एक्स एक्सिस पे मैंने क्या दिखा रखा है, पावर फैक्टर, इधर लैगिंग है राइट साइड में, इधर लीडिंग है। तो मतलब आप जैसे जैसे लैगिंग की तरफ जाओगे तो आपका जो रेगुलेशन है वो क्या है, बढ़ेगा, एक पॉइंट पे जाके घटना चालू हो जाएगा, ठीक है। और वो कौन सी पॉइंट होगा, जेड पर यूनिट। सेम यहाँ पे लीड के अंदर वोल्टेज रेगुलेशन नेगेटिव में जाएगा पावर फैक्टर, ठीक है, तो ऐसे याद रखिएगा। वोल्टेज रेगुलेशन में भी रिड्यूस बाय रिड्यूसिंग पर यूनिट इंपीडेंस ऑफ ट्रांसफार्मर, ठीक है। वोल्टेज रेगुलेशन जो भी होता है वो रिड्यूस हो जाता है पर यूनिट इंपीडेंस को घटाने से, ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। ये पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं सारे। आर पर यूनिट इज ऑलरेडी कैप्ट एट एन ऑप्टिमली लो वैल्यू ड्यू टू एफिशिएंसी कंसीडरेशन, दिस इज लीव्स एक्स पर यूनिट टू बी रिड्यूस फॉर रिड्यूसिंग द वोल्टेज। अब देखिए क्या होता है कि अपन क्या चाहते हैं कि वोल्टेज रेगुलेशन हमेशा कम रहे। वोल्टेज रेगुलेशन बेसिकली डिनोट्स क्या करता है, फ्लक्चुएशंस को डिनोट करता है किसी भी सिस्टम में, ठीक है। तो आर पर यूनिट को हमेशा क्या करते हैं अपन, कम वैल्यू पर रखते हैं, क्यों, इफिशियंसी कंसिडरेशन, जिसकी वजह से क्या होता है, एक्स पर यूनिट टू बी रिड्यूस वो रिड्यूसिंग द वोल्टेज। और आप सब जानते हैं आर पर यूनिट को तो अपन रिड्यूस कर नहीं सकते, लेकिन आर पर यूनिट को रिड्यूस करने के लिए अपन को किसको रिड्यूस करना पड़ता है, एक्स पर यूनिट को, ठीक है। और एक्स पर यूनिट रिड्यूस करोगे तो क्या होगा, लीकेज रिएक्टेंस, एक्स क्या होता है, रिएक्टेंस ही तो होता है एक प्रकार, तो लीकेज रिएक्टेंस कम होगा, लीकेज रिएक्टेंस कम होगा तो क्या होगा, आप कीपिंग फिजिकल वाइंडिंग क्लोज टू ईच अदर। तो लीकेज रिएक्टेंस कब कम होता है, तो आपको क्या करना होगा, जो वाइंडिंग होती है ना प्राइमरी और सेकेंड, इसको बहुत पास रखना होगा, बहुत ही माइनर गैप होना चाहिए। आपने देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा ट्रांसफार्मर में कितना गैप होता है, सबसे जो मिनिमम गैप होता है ट्रांसफार्मर में ही होता है 2 से 3 mm का जो वाइंडिंग्स के बीच में, ताकि जो लीकेज रिएक्टेंस हो वो मिनिमम हो, ठीक है। आप ये सेल टाइप वाली लाइन पढ़ लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन है, कोई इसके लिए देखो, अब मैं पढ़ देता हूँ आप, है इन सेल टाइप ट्रांसफार्मर लीकेज रिएक्टेंस कैन बी ग्रेडेड बाय सेलेक्टिंग डिफरेंट नंबर एंड डिफरेंट थिकनेस ऑफ हाई वोल्टेज एंड लो वोल्टेज वाइंडिंग्स, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। हाँ, अब मैं ये कोर ये लाइन आपको पढ़नी है, इंपॉर्टेंट है, मैं जो इंपॉर्टेंट नहीं होगा आपके एग्जाम के लिए उसको बता दूंगा अलग से। फिर यहाँ पे ए पावर ट्रांसफार्मर आइदर ऑपरेट एट फुल लोड और नेट नॉट एट ऑल। पावर ट्रांसफार्मर समझ रहे हैं ना, पावर ट्रांसफार्मर कौन से ट्रांसफार्मर होते हैं, एक तो जो अपने घरों के आसपास होते हैं वो तो होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, और एक होते हैं जो लोड सेंटर्स पे होते हैं, जो जनरेटर्स होते हैं ना वहाँ पे। तो पावर ट्रांसफार्मर क्या होते हैं, या तो फुल लोड पे ऑपरेट करते हैं या फिर नॉट एट ऑल, क्योंकि वो क्या होता है, हमेशा उन पे लोड आता रहता है, क्योंकि उनके अंदर फ्लक्चुएशन नहीं हो सकता, ठीक है, क्यों
देयरफॉर वोल्टेज रेगुलेशन एज परफॉर्मेंस इंडेक्स इज नॉट सिग्निफिकेंट फैक्टर इन पावर ट्रांसफॉर्मर। अब जब वो हमेशा ही फुल लोड पे ऑपरेट करेंगे तो अपन को वोल्टेज रेगुलेशन की तो इशू ही नहीं आएगा। वोल्टेज रेगुलेशन कब जनरेट होता है? जब अपन लोड को घटाते हैं। तो ये मेरी बात समझ में आ रही है ना आपको? तो पावर ट्रांसफॉर्मर है, तो पावर ट्रांसफॉर्मर मैंने बता दिया वो हमेशा फुल लोड पे ऑपरेट होते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर जो वोल्टेज रेगुलेशन परफॉर्मेंस इंडेक्स में कंसीडर ही नहीं किया जाता। किसके अंदर? पावर ट्रांसफॉर्मर के। लेकिन इसके अदर हैंड में क्या है, जो लोड पे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर होता है वो क्या होता है, कंज्यूमर पे डिपेंड करता है। जैसे आपके घरों में आप जब मन चाहे बिजली बंद करते हो, चालू करते हो, सुबह जैसे मान लो ऑफिसर्स के लिए वर्क पे निकल गए तब बंद रहती है, फिर शाम को 5 बजे से फिर चालू हो जाती है। तो क्या होता है, उसकी जो वोल्टेज रेगुलेशन है वो चेंज होती रहती है। इसलिए क्या होता है कि वोल्टेज रेगुलेशन एक सिग्निफिकेंट फैक्टर रोल प्ले करता है किसके अंदर, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में। ये बात आपको याद ध्यान रहेगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना। हेंस ए पर यूनिट इंपीडेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पर यूनिट इंपीडेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कितना होता है? 0.015 पर यूनिट, लो वैल्यू होती है बहुत ही ज़्यादा। वाइल पर यूनिट इंपीडेंस ऑफ पावर ट्रांसफार्मर कितना होता है, TF का मतलब ट्रांसफार्मर है, 0.15 हायर वैल्यू होती है। ड्यू टू हाई इंपीडेंस इन पावर ट्रांसफार्मर एज एडवांटेज है, इट रिड्यूस ए फॉल्ट MVA लेवल ऑफ द पावर सिस्टम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब क्या होता है कि पावर ट्रांसफार्मर का फायदा क्या हो जाता है कि हाई इंपीडेंस होने की वजह से इनका फायदा क्या हो जाता है कि जो फॉल्ट जनरेट्स होते हैं, मेजरली जो फॉल्ट जनरेट होते हैं वो जनरेटर साइड पे जनरेट होते हैं ना। तो जनरेटर साइड पे जनरेट होते हैं, तो जनरेटर साइड में जनरेट होंगे तो फॉल्ट एक करंट की फॉर्म में होता है। तो उनको करंट को कम करने के लिए क्या अपन अलग से रिएक्टर्स वगैरह रेजिस्टेंसेस लगाते हैं ना। तो अब यहाँ पे तो पहले से ही रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा, एक उसको रिड्यूस कर देगा फॉल्ट के MVA लेवल को। तो ये अपन को ऑप्शनल एडवांटेज मिल जाता है, बहुत बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। एफिशिएंसी ये मैंने बता दिया, फॉर्मूला ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, ठीक है। लेकिन अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इफ़ लोड पावर फैक्टर कांस्टेंट, अगर अपन लोड के पावर फैक्टर को कांस्टेंट कर दें एंड लोड करंट इज़ वेरिएबल, और लोड करंट को क्या कर दें, वेरिएबल, देन कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी इज I²R equivalent इज इक्वल टू PIE। PIE का मतलब है कॉपर, I²R equivalent क्या होता है, कॉपर लॉस सब जानते हैं, I²R कॉपर लॉस होता है। PIE मतलब कोर लॉस, कोर लॉस का मतलब होता है कि जो एडी करंट से जनरेट हुए, हाइस्टेरिसिस से जनरेट हुए, वो सब लॉसेस कौन से लॉस कहलाते हैं, कोर लॉस, ठीक है। ये आपको याद रहेगा, फिर यहाँ से आप, तो ये क्वेश्चन है, ये बहुत बार क्वेश्चन भी पूछा जाता है, और ये डायरेक्ट वो पूछ ले, ये कंडीशन ही पूछ लेते हैं ना, ठीक है। तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट होगा, और ये भी ध्यान रखिएगा, PCU मतलब पावर कॉपर लॉस किसके प्रोपोर्शनल, S² के, ठीक है। ये पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है, एडी करंट लॉस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू वोल्टेज, एज वोल्टेज इज कांस्टेंट एडी करंट लॉस इज इक्वल टू कांस्टेंट लॉस, ठीक है। जी हाँ, अब यहाँ पे अपन बात करते हैं एफिशिएंसी की। देखो थर्ड पॉइंट देख रहे हो ना आप, एफिशिएंसी के अंदर जो सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी ट्रांसफार्मर की होती है, ये बात हमेशा, जितनी भी मशीन्स होती हैं उनमें सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी किसकी होती है, ट्रांसफार्मर की होती है, 95 से अबव होती है। आप कोई भी क्वेश्चन उठाइए, आप गेट का उठाइए, क्वेश्चन एफिशिएंसी निकाल के देखिए उसकी कितनी निकलेगी। तो आप समझ में आ रही है ना मेरे पॉइंट्स। फिर सबसे ज़्यादा किसकी होती है, सिंक्रोनस मशीन्स की होती है, फिर इंडक्शन मशीन की होती है, फिर DC मशीन्स की होती है, ठीक है। द एवरेज लोडिंग ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जनरली 70-75%। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, हजारों बार SSC JEE कितनी ही बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी अप्रॉक्सीमेटली कितनी होती है। तो आपको क्या याद रखना है, आप 70-75% रखिए, और नॉर्मली 65 से 75 भी रख सकते हैं। कई बार क्या होता है, कई एग्जामिनर हो 65 से 70 के बीच में भी दे देते हैं। देन इट्स मैक्सिमम एफिशिएंसी शुड बी डिज़ाइन एट दिस पार्शियल लोड। और हाँ, अब जब इसकी एफिशिएंसी इतनी होती है तो इसकी जो मैक्सिमम एफिशिएंसी किस डिज़ाइन पे, इसकी जो मैक्सिमम एफिशिएंसी इसी लोड पे डिज़ाइन की जाती है, पार्शियल लोड पे, फुल लोड पे नहीं डिज़ाइन की जाती है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब अगला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की ज़्यादा होती है, किससे, पावर ट्रांसफार्मर से, ठीक है। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। हाँ, अब बात आती है साइज। अब मेरा, मैं ये पूछ, कोई पूछे कि सर पावर ट्रांसफार्मर की साइज़ ज़्यादा होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन का, तो साइज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का ज़्यादा होता है साइज ऑफ पावर ट्रांसफार्मर से। बहुत इंपॉर्टेंट है, घोल के पी जाइएगा। क्यों ऐसा? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में एफिशिएंसी कंसीडरेशंस होती है, वो फुल लोड पे वर्क नहीं करता है, पार्शियल लोड पे वर्क करता है, इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का साइज बड़ा होता है,
ठीक है, लेकिन जो पावर ट्रांसफार्मर है वो फुल लोड पे वर्क करता है, उसकी जो साइज है वो छोटी होती है। इसी वजह से जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है उसका कॉस्ट हाई होती है, क्योंकि उसके अंदर अपन को हर एक पैरामीटर के ऊपर रिसर्च करनी पड़ती है, तभी अपन डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, आपको याद रहेगा ऑल्ड एफिशिएंसी देख लीजिएगा फॉर्मूला, लेकिन न्यूमेरिकल पूछने के चांसेस कम है, ना के बराबर। आईएएस होता तो मैं ज़रूर कहता कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑटो ट्रांसफार्मर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ एन ट्रांसफार्मर। ठीक है, आपको इसे याद रखना है, ये कंडीशन मैंने बताई दी है, ए क्या होता है, एन एच बाई एन एल। ठीक है, फिर बात आती है कॉपर कंपैरिजन। आप सब जानते होंगे कि ऑटो ट्रांसफार्मर क्या होता है, उसमें एक ही वाइंडिंग होती है, सेकेंडरी भी वही और सेकेंडरी भी सेम है, और क्या बोलते हैं अपनी प्राइमरी भी एक ही कोर पे की जाती है, तो उससे क्या होता है कॉपर का सेविंग हो जाती है। अब जब कॉपर की सेविंग होगी तो बहुत अच्छी बात है ना, कि कॉपर की सेविंग हो रही है। तो अब मेरे से कोई क्वेश्चन पूछ ले कि ऑटो ट्रांसफार्मर दिया है और सेम ही रेटिंग का टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर दिया है, तो बता दीजिए कि कॉपर की कितनी सेविंग हुई, है ना, तो ये कैसे निकालेंगे। तो कॉपर सेविंग का फॉर्मूला हो जाता है वन अपॉन ए, वन इज इक्वल टू वन अपॉन ए क्या है, तो अभी मैंने बताया था ड्यूटी जो इसका फॉर्मूला है एन एच बाई एन एल। ठीक है, ए इज इक्वल टू ऑटो ट्रांसफार्मर का है, याद रखिएगा। ठीक है, अब इसके अंदर बात करते हैं जो ऑटो ट्रांसफार्मर, जो सिंपल ट्रांसफार्मर होता है उसके अंदर क्या होता है, सिर्फ इंडक्टेंस का इफेक्ट आता है, मतलब जो वोल्टेज जो करंट ट्रांसफार्मर होती है किसके वजह से होती है, इंडक्टिव ट्रांसफार्मर के प्रिंसिपल पे। लेकिन जो अपना ऑटो ट्रांसफार्मर उसमें दोनों फिनोमिनन होते हैं, इंडक्टेंस फिनोमिनन भी होता है और कंडक्टेंस भी होता है। तो ये क्वेश्चन अभी इसी साल एसएससी जेई में आया था, आप चाहे पेपर उठा के देख लीजिए, अब कौन से बैच में आया था ये मुझे याद नहीं है, लेकिन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, फिर बाद में आता है कई बार आपसे रेटिंग पूछ लेता है कि रेटिंग बताइए, सेम रेटिंग का है तो रेटिंग बता दीजिए, तो उसके लिए फॉर्मूला है। ठीक है, एक मिनट, सॉरी फ्रेंड्स। ठीक है, तो अपन एक मिनट, कोई टेक्निकल इशू है। ठीक है, तो अपन फिर से एक बार बात कर लेते हैं। अनलाइक ए टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर द पावर ट्रांसफार्मर ओनली इंडक्टिव इन नेचर। ये मैंने अभी बात आपको जस्ट बताई कि एक टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर क्या होता है, सिर्फ इंडक्टिव इन नेचर होता है, लेकिन ऑटो ट्रांसफार्मर कंडक्टिव भी होता है, साथ ही साथ इंडक्टिव भी होता है। ठीक है, ड्यू टू कंडक्टिव ट्रांसफर फॉर द सेम ऑटो ड्यूटी एज कम्पेयर टू टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर एंड ऑटो ट्रांसफार्मर यूजेज लेस कॉपर एंड लेस आयरन। इसी वजह से क्या होता है कि उसके अंदर जो कॉपर लगता है वो कम लगता है, आयरन लगता है वो कम लगता है, मैग्नेटाइजिंग करंट होता है वो कम होता है, और पावर फैक्टर बेटर होता है। तो अपने पास ओवरऑल एक बहुत ही अच्छे ट्रांसफार्मर का इनोवेशन हो जाता है। ठीक है, एफिशिएंसी ज़्यादा होती है, पर यूनिट इंपीडेंस कम होता है, वोल्टेज रेगुलेशन कम होती है, इट इंक्रीजेज शॉर्ट सर्किट करंट, है ना, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट सर्किट करंट ज़्यादा होता है, इसका खतरा जरूर रहता है। कॉपर सेविंग, ठीक है, ये तो सारे एडवांटेज थे ना, डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं। ऑटो ट्रांसफार्मर विल नॉट प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन। आइसोलेशन का मतलब क्या होता है कि ये आइसोलेट नहीं कर पाता, कि मान लो इस जैसे मान लो कहीं कोई फॉल्ट आया, जैसे सपोज प्राइमरी में आया, तो वो फॉल्ट कहाँ पर ट्रांसफार्मर हो जाएगा, सेकेंडरी में ट्रांसफार्म हो जाएगा, और सेकेंडरी में फॉल्ट आया तो वो प्राइमरी में ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये एक उसका बहुत ही बड़ा साइड इफेक्ट है। ठीक है, इसी वजह से बहुत ही जल्दी जो स्प्रेड हो जाता है दूसरे में। इफ़ ए टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर रीकनेक्टेड एज ऑटो ट्रांसफार्मर देन द इंसुलेशन ऑफ इट्स लो वोल्टेज वाइंडिंग मस्ट बी स्ट्रेंथन्ड इन ऑर्डर टू विदस्टैंड। ठीक है, ये आप पढ़ लीजिएगा, एप्लीकेशन को आपको पढ़ के जाना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोई इशू नहीं है। टर्शियरी वाइंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टर्शियरी वाइंडिंग इज प्रोवाइडेड। अब बात आती है टर्शियरी वाइंडिंग होती क्या है। टर्शियरी वाइंडिंग होता है, वैसे तो अपन जानते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, जो एक तीसरी वाइंडिंग होती है उसको टर्शियरी वाइंडिंग कहते हैं। क्या होती है, इज प्रोवाइडेड टू ऑब्टेन थर्ड वोल्टेज लेवल इकोनॉमिकली यूजिंग द सेम कोर्स। मतलब क्या है कि एक ही कोर टैंक, एक ही कंजर्वेटर, एक ही ब्रीदर, एक ही सब सारे इक्विपमेंट से अपन तीन लेवल ले सकते हैं वोल्टेज के, तो वो क्या होती है टर्शियरी वाइंडिंग। एप्लीकेशन पढ़ लीजिएगा, तीन पावर सिस्टम को कनेक्ट करने में काम आती है ना, ये सब पढ़ने में क्या है, पढ़ तो आप भी लोगे, जो इंपॉर्टेंट है समझाने की चीज़ वो आप मैं आपको समझाता हुआ जा रहा हूँ। फिर बात आती है थ्री फेज ट्रांसफार्मर। ठीक है, एफिशिएंसी ऑफ थ्री फेज ट्रांसफार्मर हायर देन द बैंक ऑफ थ्री फेज थ्री सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। मतलब आप तीन सिंगल फेज ट्रांसफार्मर को कनेक्ट करो, थ्री फेज ट्रांसफार्मर बनाओ, उससे ज़्यादा होगी किसी थ्री फेज एक सिंगल ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये जो ग्रुप्स हैं ये आपके हाल फिलहाल इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं आपको समझाने का कोई मोटो नहीं बनता है ना,
लेकिन आप इतना जरूर ध्यान रखिएगा जो सेकंड लाइन लिखी गई है, स्टार डेल्टा और डेल्टा स्टार कनेक्शन इंट्रोड्यूसर कितने डिग्री का फेज शिफ्ट आता है, 30 डिग्री का फेज शिफ्ट आता है, ये आपको ध्यान रखना है ना। और अगर आपको लग रहा है लाइन अच्छी लग रही है तो आप पढ़ भी लीजिएगा, ठीक है। हाई वोल्टेज लो कैपेसिटी एप्लीकेशन में कौन सा होता है, स्टार होता है, और लो वोल्टेज हाई कैपेसिटी एप्लीकेशन में डेल्टा होता है। एप्लीकेशन पढ़ने हैं इसके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, है ना। तो मैं क्या है ना, आपको हर चीज़ पढ़ पढ़ के नहीं बता रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट है और जो मुझे पढ़नी चाहिए वो, और जो समझाने की चीज़ें हाल फिलहाल वो समझा रहा हूँ, और जो पढ़ने के लिए वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, है ना। फिर आता है वी कनेक्शन। वी कनेक्शन में क्या होता है कि जो अपनी जो रेटिंग होती है उसका डेल्टा डेल्टा होती है ना, एस वी वी एस डबल एस वी डबल ई अपॉन एस डी डी लिखा है ना, 0.77 है, मतलब किसी भी रेटिंग का 57.7% यूज़ होती है, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, ठीक है। स्कॉट कनेक्शन क्या होता है, किसी भी थ्री फेज को किस में कन्वर्ट करने में, टू फेज कन्वर्ट करने में कौन से कनेक्शन का यूज़ किया जाता है, स्कॉट कनेक्शन। इसका ट्रांस रेशियो क्या होता है, 80 का अंडर रूट 3/2 AM, AM मतलब जो मेन ट्रांसफॉर्मर है ना उसका, और इसको टीजर के नाम से भी जानते हैं। फिर बात आती है पैरेलल ऑपरेशन, ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जो न्यूमेरिकल है, ठीक है। पैरेलल ऑपरेशन ट्रांसफॉर्मर कंडीशन क्या है, कंडीशन टू सेटिस्फाई पैरेलल ऑपरेशन ट्रांसफॉर्मर, ये मान के चलिए बहुत ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी है इस क्वेश्चन के आने की। इसकी कंडीशंस क्या क्या है, सेम पोलैरिटीज होनी चाहिए, सब जानते हैं, इक्वल वोल्टेज रेशियो होनी चाहिए, सेम वोल्टेज रेटिंग होनी चाहिए, वेरी स्मॉल डिफरेंस वोल्टेज रेशियो में परमिटेड, है ना, थोड़ा बहुत वोल्टेज रेशियो का डिफरेंस चल सकता है इफ़ अनअवॉइडेबल। ऑल ट्रांसफॉर्म शुड हैव सेम नेम प्लेट जेड पर यूनिट फॉर द प्रोपोर्शनल लोड शेयरिंग, ठीक है। फॉर थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर ओनली सेम फेज सीक्वेंस, अगर सिर्फ थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर है तो फेज सीक्वेंस भी सेम होना चाहिए, ठीक है। लोड शेयरिंग आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, है ना, लेकिन अगर आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है आपको तो पढ़ लीजिएगा, है ना। हाँ, अब अपन बात आते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो क्वेश्चन आते ही आते हैं, मैग्नेटाइजिंग करंट फिनोमिनन। ये क्या होता है, मॉडर्न ट्रांसफॉर्मर ऑपरेटेड विद मॉडर्न, देखो मैग्नेटाइजिंग करंट फिनोमिनन क्या होता है, मॉडर्न ट्रांसफॉर्मर ऑपरेटेड विद हाई कोर फ्लक्स डेंसिटी ड्यू टू इकोनॉमिक रीजन दिस डिराइव द कोर इनटू डीप सैचुरेशन। मैग्नेटाइजिंग करंट फिनोमिनन का क्या होता है कि बहुत ज़्यादा जो उसकी कोर होती है वो मैग्नेटाइज हो जाती है और वो करंट को इतना ज़्यादा लेने लग जाती है कि उसके अंदर एक प्रकार का फॉल्ट के जैसे जनरेट होने लग जाता है, एक नॉन लीनियर फिनोमिनन अकर होने लग जाता है, तो इसी को क्या बोलते हैं, मैग्नेटाइजिंग करंट फिनोमिनन, ठीक है। ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है, तीन चार लाइन जितनी भी लिखी है। विद सच ए हाईली नॉन लीनियर मैग्नेटाइजेशन कर्व, ए साइनसोइडल कोर फ्लक्स मे ओनली बी ऑब्टेन्ड विद ए पीकी मैग्नेटाइजिंग करंट कंटेनिंग डोमिनेंट पीकिंग थर्ड हार्मोनिक कंपोनेंट। इसमें कौन सा हार्मोनिक कंपोनेंट सबसे ज़्यादा होता है, पीकिंग थर्ड हार्मोनिक। थर्ड हार्मोनिक कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट में ओनली फ्लो इन द इलेक्ट्रिक सर्किट परमिट, ठीक है, सिर्फ थर्ड हार्मोनिक को ही इलेक्ट्रिक सर्किट परमिट करेगा, ठीक है। तो ये आप ये सारी लाइन्स पढ़ लीजिएगा, जो मेरे को इंपॉर्टेंट लगा वो मैंने पढ़ा दिया, ठीक है दोस्तों। तो ये आज का आपका मशीन्स का ट्रांसफॉर्मर मैंने कवर किया है और मैं अभी पावर सिस्टम को भी कवर कर दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों यार प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो लाइक अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, क्योंकि मैं आपके ही रिक्वेस्ट पे वीडियो लाया हूँ, नहीं तो मैं नॉनटेक डाल ही रहा था, लेकिन आपने कहा कि सर शॉर्ट नोट्स डालिए ताकि हमारी प्रिपरेशन थोड़ी जल्दी हो सके, इतना समय नहीं बचा है, तो मैं सिर्फ आपके लिए ही मेहनत कर रहा हूँ। तो यार अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, नोट्स अच्छे लग रहे हो, तो बहुत मेहनत लगती है नोट्स बनाने में, जब आप खुद बनाएंगे या आपने किसी ने बनाए होंगे तो उसे पता होगा कितनी मेहनत लगती है ना। और मैं अपना इतना अच्छा कंटेंट आपको दे रहा हूँ ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कोई भी अपना कंटेंट किसी को प्रोवाइड नहीं करता है, क्योंकि उसको उसके खुद के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो सबके लिए वो प्रोवाइड नहीं करता है, लेकिन फिर भी मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों यार प्लीज़ लाइक कीजिए, और कोई भी कमेंट्स है तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। कोई भी लाइन में इशू है कि सर मेरे को पेज नंबर 1 में वो लाइन क्या लिखी गई है, प्लीज़ एक बार बता दीजिए तो मैं वो भी बता दूंगा। कोई भी कमेंट डाउट हो रहा है तो पूछिए, ठीक है दोस्तों। तो यार प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, और भी दोस्तों को बताइए ताकि इससे और भी लोगों का फ़ायदा हो सके। और जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो उनके लिए नोटिफिकेशन है कि हम ऑनलाइन लेक्चर सीरीज चालू कर रहे हैं, गेट एस्पिरेंट्स, आईएएस एस्पिरेंट, एसएससी, जेई, आरवीएनएल, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, आरआरबी, दिल्ली मेट्रो। मेरे कहने का मतलब है जितने भी टेक्निकल एग्ज़ाम हैं उनकी फुल फ्लैश तरीके से तैयारी होने वाली है। कब से चालू हो रही है इलेक्ट्रिसिटी, 6th August 2018। स्केड्यूल क्या होने वाला है क्लासेस का, ऑल टेक्निकल क्लासेस अपन कवर करेंगे, हाल फिलहाल इलेक्ट्रिकल और ईसी को कवर कर रहे हैं, लेकिन ठीक है, और सिविल की भी फैकल्टी से बात चल रही है, अगर वहाँ से राजी आ जाती है तो मैं सिविल की भी क्लासेस चालू करवा दूंगा, है ना। तो नॉन टेक भी इसमें कवर किया जाएगा, क्योंकि नॉन टेक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी एग्जाम में, जीके और करंट अफेयर, जीके में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जितने भी नॉन टेक का अपनी इंजीनियरिंग से रिलेटेड है वो अपन कवर कर लेंगे, ठीक है। और
अगर आपको ये क्लासेस अटेंड करनी है तो स्टडी माई वे को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिल सके और आप एक बेहतरीन तैयारी कर सकें बिना किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स।